आज का मेरे को हम एयरपोर्ट बोर्डिंग से फारिग हो गए, ग्राउंड में बैठे हुए अपने फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। बाहर ये देखें किसी जहाज की मेंटेनेंस हो रही है और ये एक जहाज लगा हुआ है, बहुत सारी हज फ्लाइट्स वापस जा रही हैं और धड़ाधड़ वापस जा रही हैं। बहुत रश है एयरपोर्ट पे, हमें 2-2.5 घंटे सिर्फ बोर्डिंग में लग गए और अभी 2-2.5 घंटे हमारी फ्लाइट में बाकी हैं। अगर शाम फ्लाइट हो तो सुबह भगा देते हैं, सुबह फ्लाइट हो तो शाम भगा देते हैं ताकि होटल का रेंट भी बच जाए और जल्दी से फरागत हो जाए। गाड़ियाँ भी ज़्यादा इतनी चाहिए होती हैं पैसेंजर पहुँचाने के लिए और एयरपोर्ट पे रश की भी वजह है। सामान हमारे पास बहुत हो गया था, ज़्यादातर तो हमने खजूरें ली थी और तो कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की, लेकिन खजूरें भी हमने कुछ ज़्यादा ही खरीदनी तो वो लोगों के हिसाब से काफ़ी सामान ओवर हो गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे किसी ने कोई ज़्यादा पाबंदी नहीं लगाई, जितना था बस छोटी मोटी फॉर्मेलिटी के बाद सब पास कर दी। सामने कोई मलेशिया और इंडोनेशिया के लोग लगे हुए हैं, लाइनों की लाइनें लगी हुई, इनको शायद फ्लाइट से पहले लंच दिया जा रहा है। हमारी फ्लाइट जो है हमें लंच नहीं मिला, हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ है और लंच मिलने का इम्कान नहीं है, तो रिफ्रेशमेंट मिलेगी फ्लाइट में ही। एयर ब्लू फ्लाइट को बुलाया जा रहा है गेट नंबर 114 पे। हमारी फ्लाइट एयर ब्लू की पाकिस्तानी एयरलाइन है और उसके मुसाफरों को जहाज में बिठाना शुरू करने लगे हैं, ये लाइन बनने लगी है, हम भी अभी लाइन में लग गए। और एयर ब्लू पे पहली दफ़ा हमने सफ़र किया और बहुत ही बुरा तजर्बा, बहुत ही बुरा। अमला इंतहाई बाद इखलाक, रिफ्रेशमेंट इंतहाई फजूल, जहाज छोटे, सीटें जिस तरह देहातों की तरफ चलने वाली लोकल वैगनों की सीटें होती हैं बिल्कुल इस तरह छोटी और बहुत ही निकम्मी सीट थी जिस पे बंदा बिल्कुल सीधा हो गए, अगर लंबी फ्लाइट करनी हो तो कमर तख्ता हो जाती है, टांगें अकड़ जाती हैं और बिल्कुल गंदी सर्विस है। अगर बाय चॉइस आइंदा फ्लाइट लेनी पड़े तो एयर ब्लू पे मैं तो कभी भी ना लूँ। मुझे नहीं पता बाकी लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, अभी जहाज़ में आपको जाके सीटें दिखाऊंगी किस तरह की सीटें, जिन पे ना कोई फोम है ना कोई काम की चीज़ है। ये शायद हाजियों को इस तरह एंटरटेन किया जा रहा है कि बिल्कुल अजीब सा हमले का रवैया भी है और ना बात सुनते हैं ना समझते हैं ना ही उस पर अमल करते हैं। हालांकि हाजी एक तो अल्लाह के मेहमान, दूसरा हज का किराया आम फ्लाइट से डबल वसूल किया जाता है और फिर अगर सर्विस का ये हाल हो तो शिकायत बनती है।
अल्लाह ताला समझे पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को जिनकी एयरलाइन है। ये जी हमारे जहाज में सामान लोड किया जा रहा है और कुछ उसमें सफाई वगैरह या मेंटेनेंस चल रही होगी। छोटा सा निक्का सा जहाज है, कोई मज़ा नहीं आया था आते हुए भी, अब जाते हुए भी यही अमकान है। कोई सर्विस नहीं है एयर बलून की, ना अमला खुश अखलाक है, ना बोलने की तमीज़ है, ना सर्विस है, ना सीटें हैं जहाज़ की, ना रिफ्रेशमेंट अच्छी है। अब पता नहीं सर्विस है ही इतनी या हाजियों के साथ खसूसी सलूक है, मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन बाई चॉइस अगर सफ़र करना पड़े तो एयर बलून में कभी भी ना करूँ। देहातों में जाने वाली वैगनों वाली सीटें इसमें लगी हुई हैं, कोई एडवांस चीज़ बीच में जहाज़ में नहीं है, और शायद सारी ही इकॉनमी क्लास अभी नीचे की हुई क्लास है, मतलब सीटें इस लेवल की हैं। ज़्यादा लोग तो हर तरह के मुसाफरों में शामिल हैं। जहाज में बैठ चुके हैं, जहाज में भगदड़ मच ये है कि बस वहीं पे एयर आपकी सारी कहानी मैं समझता हूँ, आपकी सारी कहानी मैं समझता हूँ, ठीक है ना। अल्लाह ख्याल रहे इसका जहाज जा रहा है जी। अभी भी हाजी में आता एयरपोर्ट आता के लिए आपका दोस्त ने मुझे कहते हैं तो मैं छोड़ा खास हूँ, कहते हैं मैं अभी उतार आता हूँ जल्दी में, वो अभी ना लेके आओ वापस में बोलता हूँ। अब ऐसा है कि मैंने दोस्तों को बुला ली तो दोस्तों को बुला ली तो मैं किसी और को नहीं बुला सकता, ठीक है। ठीक है तो ऐसा है कि क्या नाम है, दोस्त है ना, अब वो आ रहे हैं, अब गाड़ी में ना टोटल मेरी एक जगह। जहाज टेक ऑफ करने लगा है जी, सामने ढेर सारे जहाज लाइन में खड़े हैं। प्रेसिडेंट की तरह आज हवाई जहाज़ ले लें, पहाड़ियाँ देखें कितनी छोटी रह गई हैं।